दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? क्या प्रतिकूल कब्जा किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी चीज पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या वो हटेगा या नहीं हटेगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अब बात करते हैं प्रतिकूल कब्जा होता क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि बहुत सारे व्यक्ति कमाने खाने के लिए विदेश या बंबई या महाराष्ट्र कहीं भी चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पे चले जाते हैं, तो उसका जो मकान है वो खाली रहता है। तो पड़ोसी कोई व्यक्ति किराएदार या कोई भी व्यक्ति उस मकान को खाली देखकर उसका मन ही करता है कि इससे मैं किराए से रह जाऊं, रेंट पे रह जाऊं। तो या तो बी दो व्यक्ति किसी भी, या तो रेंट वाला कहे कि मुझे किराए में दे दो, या आप अपने मन में सोचते हैं कि अपने किराया आ जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए एक दूसरे, जैसे आपने किसी व्यक्ति को एक महीने के लिए किराए में दे दिया, किराए में देते देते जैसे एक महीना हुआ आपने उसे टच कर दिया कि आपका एक महीना हो गया, आप इस मकान को खाली करें। लेकिन फिर वो व्यक्ति कहता है कि अभी मेरे किसी कमरे या किराएदार किराए मकान की एडजस्ट नहीं हो पाया, तो मैं एक महीना और रखता हूँ। ऐसे चलते चलते फिर अपन मन में सोच लेते हैं कि अपना खाली पड़ा हुआ मकान है, अपने किराया आ रहा है। फिर जैसे आपने अगले महीने पे कहोगे तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि अभी मेरा जो मकान है किराए का वो मिला नहीं है, तो मैं एक दो महीने और रहना चाहता हूँ। तो आपके मन में भी ये विचार आता है कि अपने भी खाली है, देख रेख हो जाती है और अपना मकान के पैसे मिलते हैं किराए। तो ये चीजें देखते हुए कि आपके मन में ये विचार आता होगा कि इस व्यक्ति को हमने बार बार कह रहे कि आप मकान खाली करें, मकान खाली करें, नहीं कर रहा। तो आपके दिमाग में यह आ जाता है कि क्या पता ये व्यक्ति इस मकान पे कब्जा नहीं कर ले, प्रतिकूल कब्जा लेकर नहीं आ जाए, सारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अपन भी क्या दूर हैं, तो अपन ही सोचते हैं कि ये मकान खाली पड़ा हुआ है, इसमें अपन को किराया मिल रहा है, इसकी देख रेख और ये सारी चीजें देखते हुए अपन उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन दोस्तों इस प्रकार आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहते, वो व्यक्ति किराया दे रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन जिसे ज्यादा टाइम निकल जाता है तो ज्यादा टाइम निकलने के बाद आपके ऊपर कुछ दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि क्या दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर रहते हो, आप वहां आना जाना नहीं रहता, साल भर में एक बार नहीं आते, दो बार नहीं आते, तो वो व्यक्ति जो अड़ोस पड़ोस है वो भी देखते हैं कि ये मकान शायद इसी व्यक्ति का होगा, क्योंकि आपका और जो पड़ोसी पड़ोसी होगा उनका संपर्क कट जाता है, संपर्क कट जाता है, वो व्यक्ति वहां रहता है, वो व्यक्ति वहां रहते रहते सारी जानकारी हो जाती है वो, और वो ये भी कहने लग जाता है कि ये मेरा मकान मैंने मोल ले लिया है या मैंने खरीद रखा है। ये सारी चीज ये अपने ऊपर दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति को किराए में देना है या किसी चीज पर कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर रखा है, उसमें आप पुलिस को शिकायत कर सकते हैं या किसी भी संबंधित जो भी थाना पड़ता है वहां आप जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रतिकूल कब्जा जब साबित होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किराए में दे देता है बिना लिखा पढ़ी दे देता है, हर वो 8 साल के लगभग उस मकान पर रह जाता है, वहां के डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, राशन कार्ड बना लेता है, बिजली का बिल लगा लेता है, क्योंकि आप दूर रहते हो तो आप कभी कभी आते हो, लेकिन आप ये सोचते कि अपने पड़ा पड़ा मकान खाली है तो अपना किराया आता रहता है, ये दिमाग में आपके रहता है, आपके दिमाग में नहीं रहता है कि ये व्यक्ति ऐसा कब्जा ही कर लेगा। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति ये सोचता है, आप जब उसे 4-5 साल गुजर जाता है, 8-10 साल हो जाते हैं, तो आप उसको जाता है कि मेरा मकान खाली करो, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। लेकिन वो व्यक्ति सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, बिजली के बिल है, पता है, सारे उस मकान के उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे रहते हुए व्यक्ति अगर 8 या 10, जरूर नहीं कि 12 साल तक ही वो प्रतिकूल, जब वो व्यक्ति 8-10 साल वहां एक स्थायी रूप से रह जाता है बिना रोक टोक के, आपने किसी उसे ना तो लीगल नोटिस दिया हो, ना ही कुछ खाली कराने का कुछ, या पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है, तो उसका परमानेंट पजेशन हो जाता है, उसका पजेशन माना जाता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट कहा गया है अगर कोई व्यक्ति लगातार एक स्थान पर रह रहा है, सब कुछ उसके वहां के उस स्थान के कागज बन गए हैं, मूल निवास हो, राशन कार्ड हो, सारी चीजें वहां के बन ले, तो वो एक पजेशन साबित हो जाता है, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा हो जाता है। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, प्रतिकूल कब्जा जब वो कोई दावा लेके आता है या आप उसमें दावा करते हो, या वो व्यक्ति भी दावा ला सकता है
कि मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ कि मेरा कब्जा है, ये मेरा मकान है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्रतिकूल कब्जा साबित हो गया ना, जब आपने उसे 8-10 साल से आपने टोका नहीं। अब आप दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आप 12 महीने 12 साल बता रहे हो, तो 12 साल जब कोर्ट में कोई विवाद होता है, 8 साल तक का उसके पास डॉक्यूमेंट्स, इस सब में मेरे राशन कार्ड बना था, तो वो डॉक्यूमेंट्स जरूर नहीं कि डॉक्यूमेंट आने की डेट को देखा जाए। आपने डॉक्यूमेंट कब पेश किया? डॉक्यूमेंट्स आपने 2-3 2 साल पहले किया होगा, जैसे 2018 में आपने डॉक्यूमेंट किया, 2020 में आपका राशन कार्ड बना, तो वहां से कोर्टें देखती है कि ये जरूर ये व्यक्ति, ये नहीं कि आते ही इसने डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। 2-3 साल ऐसे निकल जाते हैं तो व्यक्ति को टाइम लगता है, वो 2-3 साल बाद इसने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो 12 साल ऐसे हो गए। तो इस प्रकार के कोई व्यक्ति बिना रोक टोक के किसी व्यक्ति को किसी भी जगह किसी के मकान में एक साथ रह रहा है, अड़ोस पड़ोस गवाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड है, वहाँ के पता है, मकान में वो नल कनेक्शन करा लेता है, बिजली कनेक्शन अपने नाम से लगा लेता है, तो वो कब्जा साबित हो गया। वो कब्जा साबित होने के बाद आपसे वो निकलने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि ये है, होता है प्रतिकूल कब्जा। लगातार कोई व्यक्ति 10-12 साल से लगातार एक ही स्थान पर रह रहे हैं, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, हर चीज, बिजली नाम, सारी चीजें करवा लेता है, क्योंकि आप वहां बार बार जाते नहीं हो, आप देखते नहीं हो, तो देखते नहीं हो, तो वो लगातार उसके सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद पूरा कब्जा साबित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति को कोई भी मकान कमरा किराए में दे तो उसे एग्रीमेंट कराना चाहिए, किरायेनामा लिखवाना चाहिए, उससे ये लगे कि इस व्यक्ति ने किराए में ले रखा है। अब आप, हम और वो व्यक्ति के चक्कर में आकर वो व्यक्ति कहता है, क्यों हर महीने हर साल के आप 500 रुपये खर्च कराते हो, मैं ऐसे ही 500 रुपये आपको दे दूंगा, आप उस लालच में आ जाते हो। इसलिए दोस्तों, हर लीज भी करा सकते हो आप, कैसे मैंने इस मकान को, इस 2 कमरे को मैंने 10 साल के लिए लीज दे दिया, तो वो प्रतिकूल कब्जे में नहीं आता, वो कब्जे में नहीं आएगा, क्योंकि आपने लीज पे दे रखा है। लेकिन दोस्तों, मेरा किस वीडियो को बनाने का मकसद है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई सी भी जगह हो, अब अगर आप उसे सौंप रहे हो, विश्वास हो में सौंप रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने वहां के डॉक्यूमेंट्स बना लिए, वहां के राशन कार्ड, वहां के बिजली का बिल उनके नाम लगा लिया, क्योंकि आप ये देखते हो कि हम रह नहीं रहे, तो उसको ये कह देते हैं कि आप अपने हिसाब से करा लेना, आपके हिसाब से नल बिजली लगा लेना, जो भी है, तो वो एक प्रतिकूल कब्जा, वो कब्जा के लिए डॉक्यूमेंट्स बन गए, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हर 11 महीने में, हर साल में आपको एग्रीमेंट चेंज कराना है, एग्रीमेंट पे कोई चीज देनी है, किराए पे देनी है, अगर ऐसा करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो आपने 7-8 साल किसी व्यक्ति को प्रतिकूल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या किसी व्यक्ति ने मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, तो आप सेक्शन 5 रिलीफ, जो सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, आप जाकर सिविल दावा करके उस व्यक्ति को नोटिस जारी करवा कर उससे जवाब मांग सकते हो। उस व्यक्ति को ये पूछ सकता है कोर्ट कि आप यहाँ रहने का, आप जबरदस्ती आज आप इस मकान पे कब्जा कर रखा है, आपके कब्जा करने का क्या रीजन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जरूर नहीं है कि 12 साल बाद भी कोई व्यक्ति कब्जा साबित कर सके। लेकिन मान लो बिना रोक टोक पे अगर वो व्यक्ति रह रहा है, नल कनेक्शन लगा रखा है, तो वो प्रतिकूल कब्जा हो सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने चाहिए वहाँ के। हर 11 महीने में आपको एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए, किरायेनामा लिखवाना चाहिए, आपको वहाँ देख रेख करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, जो धारा 5 स्पष्ट कहा गया है, विशिष्ट राहत, ये धारा एक राहत देती है आपको। कोई व्यक्ति जबरन आपके मकान पे कब्जा कर रखा है, आपने किराए पे नहीं दिया, जबरन वो मकान पे कब्जा कर रहा है, तो आप सिविल दावा भी ला सकते हैं, या पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, जिससे बलपूर्वक पुलिस द्वारा भी खाली करवाया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा है, अगर वो व्यक्ति 8-10 साल वहां रह जाता है बिना रोक टोक के, आपने बीच में कुछ लीगल नोटिस नहीं दिया, आप ये सोचते रहे कि किराया दे रहा है, और वो 12 साल तक रह जाता है दोस्तों, तो वो व्यक्ति वहां के डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, नल बिजली के बिल अपना नाम करवा लेता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्रतिकूल के कब्जे के आधार पर उसकी हो सकती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत
क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार किसी भी चीज पर कब्जा होता है तो वहां के जो अड़ोसी पड़ोसी, अगर कोई मौखिक जानकारी भी होगी, मौका कमिश्नर भी आएगा, आप पुलिस में रिपोर्ट भी देते, तो वहां पूछा जाता है कि ये व्यक्ति कितने साल से रह रहा है, तो वो कहते हैं कि श्रीमान ये बॉस 20 साल से ये रह रहा है, इसी का मकान है, तो वो प्रतिकूल कब्जा क्या श्रेणी में आ गया ना, आपको कोई नहीं जानता वहाँ कि आपका कब्जा है। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर आप किराए में देते हो तो आना जाना जरूर रहे, साल में एक दो बार संभालना चाहिए कि ये मकान, सारी चीज़ें होनी चाहिए और एग्रीमेंट किरायेनामा होना चाहिए। अगर आप लगातार बिना रोक टोक के कोई व्यक्ति को किराए में दे देते हैं तो वो 12 साल तक रह जाता है, तो उस व्यक्ति का कब्जा साबित हो सकता है और कोर्ट उसे मकान मालिक मान सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी हैं। इसलिए दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कब्जा या जमीन या प्लाट या मकान किराया पे देते हो, एडवाइजर पोजीशन उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबूत हैं, सारी चीज़ें हैं, किराए में दे रहे हो, अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो आप पुलिस के बल जाकर कि मैंने एक महीने के लिए किराए में दिया था, तो पुलिस अवश्य से खाली करा सकते, लेकिन आपके पास कुछ लिखावट नहीं है तो आपका वो मकान तो गया, क्योंकि आपके पास कुछ सबूत नहीं है। अगर वो व्यक्ति चोरी छुपके वहाँ से कनेक्शन करा लेता है, बिजली बिल लाइट का राशन कार्ड बनवा लेता है, तो आपके लिए मुसीबत साबित हो सकती है। इसलिए लिमिट जो प्रतिकूल कब्जा है बिल्कुल सही है, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति बिना रोक टोक के रहता है, वहाँ के राशन कार्ड बिजली का बिल या कुछ इसी प्रकार की, उस जो मकान बना हुआ है जैसे चार दीवारी है, दो कमरे हैं, उसमें कोई फेर बदल कर लेता है, उसमें कुछ दीवारें या छत डलवा लेता है या कमरा बनवा लेता है या कुछ पेड़ पौधे लगवा लेता है, तो वो कब्जे उसकी श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ, आपको होगी कि मैंने दो कमरे दिए थे लेकिन उसने व्यक्ति ने इतना इतना काम कर दिया, तो वो क्योंकि उसका माना जाएगा क्योंकि उन कब्जे में है। तो इसलिए दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ये सावधानी रखनी चाहिए, इस प्रकार की सावधानी आप नहीं रखोगे तो आपकी ज़मीन, आपका मकान, आपका दुकान आपकी जा सकती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।